हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ शंकर कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। टुडे वी डिस्कस अबाउट अनदर एग्जांपल ऑन कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर का आज सेकंड न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ये भी एक क्वेश्चन पर आधारित होगा। दो टाइप के न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो पहले हमने डिस्कस किया कि लोड कैरिंग कैपेसिटी कंप्रेशन मेंबर का, ठीक है, लोड कैरिंग कैपेसिटी के बारे में। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिजाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, कंप्रेशन मेंबर का डिजाइन कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी मिलते रहेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। डिजाइन ए सिंगल एंगल स्ट्रट्स कनेक्टेड टू द गसेट प्लेट टू कैरी 180 किलो न्यूटन फैक्टर लोड। एक हमें सिंगल एंगल स्ट्रट्स दिया हुआ है जो कि गसेट प्लेट से कनेक्टेड है और 180 किलो न्यूटन फैक्टर लोड को वो कैरी कर रहा है। ध्यान देंगे, यहाँ पर फैक्टर लोड की बात किया है, सर्विस लोड की बात नहीं किया हुआ है। अगर सर्विस लोड रहता तो 1.5 से मल्टीप्लाई करते फैक्टर बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर फैक्टर दे दिया है इसलिए यहाँ पर 1.5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। द लेंथ ऑफ स्ट्रट्स बिटवीन कनेक्शन इज 3 मीटर। अगेन यहाँ पर स्ट्रट्स दिया है, स्ट्रट्स भी आप जानते हैं कंप्रेशन मेंबर होता है। स्टड जो होता है ट्रस में कंप्रेशन मेंबर का काम करता है, और फ्रेम में कॉलम जो होता है वो कंप्रेशन मेंबर का काम करता है। तो यहाँ पर ये भी इसका इंड कनेक्शन नहीं दिया हुआ है, इंड कनेक्शन आपको यहाँ पर नहीं प्रोवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर इंड कनेक्शन आपको खुद से एज्यूम करना होगा। कैसे एज्यूम करेंगे, तो स्टड्स जो गसेट प्लेट से कनेक्टेड होगा वो कैसे कनेक्टेड होगा, वेल्डिंग के थ्रू होगा। एक बोल्ट से कनेक्ट करेंगे, दो बोल्ट से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, वेल्डिंग से कनेक्ट करने का मतलब है कि रिजिड हो जाना, एक बोल्ट से कनेक्ट होने का मतलब है हिंज होना, दूसरे बोल्ट से भी कनेक्ट होने का मतलब है हिंज होना, एक इंड पर दोनों इंड पे ऐसा ऐसा केस बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन चीजों को एज्यूम कर लेंगे कि किस तरह से ये कनेक्ट हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं शुरू से इसके। एक सिंगल एंगल स्टड से देखिए, डिजाइन करने के लिए, कंप्रेशन मेंबर का डिजाइन करने के लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, कि जब भी डिजाइन की बात की जाएगी तो 3 चीजें के लिए, पहला रोल्ड स्टील बीम की बात जब आए, यानी आई सेक्शन। ठीक है, दूसरा एंगल स्टड्स, जो कि अभी हमारा क्वेश्चन है, एंगल स्टड्स। और तीसरा कहा जाएगा कैरिंग लार्ज लोड, ऐसा मेंबर जो कि लार्ज लोड को कैरी किया हो। ये 3 कंडीशन रहेगा, चौथा कंडीशन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो जब रोल्ड स्टील बीम का केस हो, तब इस केस में आपको जो सबसे पहले डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस FCD की वैल्यू जो है स्टार्टिंग में एज्यूम करना होगा। तो रोल्ड स्टील बीम है तो इसके लिए एज्यूम करेंगे हम लोग 135 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंगल स्टड्स है तो इसके लिए 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर का वैल्यू एज्यूम करना है। और लार्ज कैरिंग लोड है तो इसके लिए आप एज्यूम करेंगे 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। डिजाइन की बात जब भी आए तो आप इन तीनों में से कोई एक केस आपको दिया हुआ रहेगा, तो इन तीनों में से किसी एक को आपको एज्यूम करना है, जिसके लिए सिलेंडरनेस रेशियो, यानी कि जो KL/R हम लोग वैल्यू निकालते हैं सिलेंडरनेस रेशियो, इसके लिए वेरी करता है 70-90 के बीच में। इसके लिए वेरी करेगा 110-140 के बीच में वेरी करता है, और इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी वेरी कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, तीनों में से किसी एक को आपको एज्यूम करना होगा और उसी के बेस पर आगे सॉल्व करना होगा। जब ये एज्यूम करते हैं, इसके बाद आपको एरिया का कैलकुलेशन करना है, उसके बाद इसका क्लास आइडेंटिफाई करना है। क्लास आइडेंटिफाई करने के बाद फिर से आप FCD निकालिएगा, और वह FCD इस FCD से मैच करता है कि नहीं, या इससे कम रहता है कि ज़्यादा रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे डिजाइन प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और कैसे हम लोग, जैसे कि हमारे पे ये सिंगल एंगल स्टड्स है, और सिंगल एंगल स्टड्स है तो इसके लिए हमें क्या मानना पड़ेगा, FCD की वैल्यू यहाँ पर 90 एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक डिजाइन क्राइटेरिया है, ये आपको IS कोड में नहीं मिलेगा, ये डिजाइन क्राइटेरिया है जो कि एज्यूम करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए वैल्यू को हमने एज्यूम करा, एज्यूम FCD बराबर 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसके लिए एरिया कैलकुलेट करना होगा। देखिए, FCD होता क्या है, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस बराबर क्या होता है, लोड पर यूनिट एरिया। लोड तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है और स्ट्रेस हमें पता है, तो एरिया निकालने के लिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, एरिया बराबर हो जाएगा लोड बट्टा में
स्ट्रेस की वैल्यू और लोड हमारे पास में कितना है, 180 किलो न्यूटन है। तो न्यूटन में अगर बदलना है इसको, तो ये क्यों, क्योंकि एफसीडी जो है ये न्यूटन में दिया हुआ है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाई करेंगे हमने 90। जब इतना हमने किया तो आ गया 2000 mm² एरिया आ गया। अब इस एरिया के बेसिस पर ही आपको डिजाइन करना है सिंगल एंगल स्ट्रट्स का, ठीक है। तो अब एरिया जब आपके पास में आ गया, तो एरिया के अकॉर्डिंग आपको अब मेंशन करना होगा, आपको मानना होगा आईएस कोड से। आईएस कोड कौन सा, तो SP6 का। SP6 में जाना है सिंगल एंगल का सेक्शन में, सिंगल एंगल वाले सेक्शन में जाना है, क्योंकि सिंगल एंगल ही यहाँ पर आपको पूछा हुआ है, ठीक है। सिंगल एंगल का है क्वेश्चन में, तो सिंगल एंगल वाले सेक्शन में जा करके देखना है कि जिस सेक्शन का एरिया 2000 या 2000 से अधिक हो। 2000 से अधिक होने का मतलब ये नहीं कि आप जिसका एरिया 3000 है, जिसका एरिया 4000 है, वो भी एज्यूम करेंगे, नहीं। 2000 से स्लाइटली ग्रेटर हो उसको आप क्या करेंगे, वही सेक्शन को एज्यूम करेंगे। तो हमने ये सेक्शन को एज्यूम किया है आईएसए इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 19x19x12 mm, जिसका एरिया 2019 mm² दिया गया है, ठीक है। अब इस चीज को कैसे एज्यूम किया, चलते हैं कोड वाले पेज पर। देखिए ये हमारा कोड का पेज है, पेज नंबर तो हमें याद नहीं है कितना है, आप ये डायरेक्ट वहां से देख लेंगे कोड से, ठीक है। टेबल नंबर 3 है, रोल्ड स्टील इक्वल एंगल सेक्शन यहाँ पर, ठीक है। सिंगल एंगल की बात किया, तो सिंगल एंगल में हमने इक्वल एंगल एज्यूम किया है, एक इक्वल एंगल से हमने कैलकुलेशन किया, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है अनइक्वल के रिस्पेक्ट में। तो इसमें हमने क्या देखा कि देखिए ये रहा सेक्शनल एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, अगर इसको mm² में चेंज करना होगा तो यहाँ से वैल्यूज बढ़ जाएंगी, 6.77 है तो 677 हो जाएगा ये mm² में चेंज करेंगे। तो ऐसे ही हमारे पास में एरिया कितना था, एरिया हमारे पास में था 2000 mm², मतलब हमें सेंटीमीटर की बात करें तो 20 cm² हो जाएगा। तो 20 से कम एरिया नहीं चूज करना है। देखिए एरिया यहाँ पर 6.7 है, 10 है, 13 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं तो 20.19, ये हमारे पास में एरिया आता है 20.19, और किसका है, ऐसा सेक्शन जिसका थिकनेस है 12 mm का, और ये सेक्शन कौन सा है, तो आईएसए 90x90 यानी सिंगल एंगल है तो इक्वल एंगल है, दोनों लेग की लंबाई है 90x90 का, 12 mm थिकनेस है, जिसका एरिया 2019 mm² है, और वेट पर मीटर इसका दिया है 15.8, ठीक है, केजी में है वेट पर मीटर के लिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया 2.66 एंड डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर दिया हुआ है इसका 6.34। इसका जो दूसरा पेज है वो दूसरे वाले पेज में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू वहाँ पर दे रखा है। तो इस तरह से सारा वैल्यू को कैलकुलेट किए, और कैलकुलेट करने के बाद हमने ये आइडेंटिफाई किया कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं, रिक्वायर्ड जो सेक्शन है वो होंगे इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन 19x19x12 mm, जिसका एरिया होगा 2019 mm² एंड मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन होगा आर मिनिमम से, जिसको डिनोट करते हैं 17.4 mm, ठीक है। तो ये सारा वैल्यू हमने SP6 से उठा करके यहाँ पर लाया हुआ। तो उम्मीद है इतना चीज़ें क्लियर होंगी। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे सिलेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट करेंगे, एंड उसके बाद फिर क्लासेस का डिफाइन करेंगे। एज्यूम स्टड्स विल बी कनेक्टेड टू गसेट प्लेट विथ एटलीस्ट 2 bolts, मतलब ये हम मान के चल रहे हैं कि जो सिंगल एंगल जो प्लेट है गसेट प्लेट से जो कनेक्ट हो रहे हैं वो 2 bolts से कनेक्ट होंगे। अब ये 2 bolt का कंडीशन क्या है, 2 bolt 1 bolt वाला, तो आप इसको कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, 2 bolt से कनेक्ट करना, 1 bolt से कनेक्ट करना, या फिर वेल्डेड करना। जब आप सिंगल बोल्ट से जब आप कनेक्ट करते हैं तब उस केस में आपका बोथ इंड हिंज का कंडीशन बनेगा सिंगल बोल्ट का। जब एक बोल्ट से आप यूज करते हैं तब ये बोथ इंड हिंज का कनेक्शन का बनता है, बोथ इंड हिंज का, ठीक है। बोथ इंड हिंज या बोथ इंड पिन, इस केस में जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो ओरिजिनल लेंथ के बराबर होता है, इफेक्टिव लेंथ ओरिजिनल लेंथ के बराबर होता है। जब 2 bolts से कनेक्ट करते हैं, 2 bolts से कनेक्ट करते हैं, इस समय जो इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू होती है, इफेक्टिव लेंथ वो ओरिजिनल लेंथ का 0.85 टाइम्स हो जाता है। और जब वेल्डिंग का, जब आप वेल्डेड कनेक्शन यूज करते हैं तो वेल्डेड वाला में वो रिजिड हो जाता है, और इस केस में जो आपका इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू होती है ये हो जाता है 0.7 × L का, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रख लेंगे कि जब कनेक्शन कभी नहीं दिया हो, रेज्यूम करना हो, तो आप याद मान सकते हैं कि 1 bolt से कनेक्टेड है या 2 bolt से कनेक्टेड या फिर वेल्डेड है। तो इस केस में 2 bolt से हमने एज्यूम किया 2 bolt से, और इस केस में इफेक्टिव लेंथ होगा KL, और KL की वैल्यू यहाँ पर होगा 2 bolt के लिए 0.85 × L का। अब L यहाँ पर कितना दिया है, तो L की वैल्यू यहाँ पर 3000 दिया हुआ है, 3000 को इसे
मल्टीप्लाई करेंगे एंड आगे वैल्यू हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसका हम लोग बकलिंग क्लास डिजाइन करना है कि बकलिंग किस किस क्लास में ये लाई करेगा। एंड बकलिंग क्लास डिजाइन करने के लिए हमें जाना पड़ेगा IS 800-2007 का पेज नंबर 44 पे, जहां से इसको बकलिंग क्लास के लिए डिफाइन करते हैं। बकलिंग क्लास के लिए देखिए आगे इस पेज नंबर 44 पे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी इस पेज का हमने डिस्कस कर चुके हैं। ऊपर के दो सेक्शन थे, रोल्ड स्टील के लिए, वेल्डेड स्टील सेक्शन के लिए। हॉलो सेक्शन में तीन तीन टाइप का सेक्शन है, फिर से वेल्डेड बॉक्स सेक्शन है, और यहाँ पे देखिए चैनल, एंगल, टी एंड सॉलिड सेक्शन। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा कौन से सेक्शन में लाई करेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है अभी का, ये एंगल सेक्शन है, चाहे तो चैनल हो, चाहे तो एंगल हो, चाहे टी हो, चाहे आप सॉलिड सेक्शन हो, इस सभी सभी जो होंगे क्लास सी में लाई करेंगे, सभी जो होंगे क्लास सी में लाई करेंगे, ठीक है। तो इतना जब चीज आपको क्लियर हुई होंगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बकलिंग क्लास सी में तो आ गया, बकलिंग क्लास यहाँ से सी में आ गए। अब सी में जब आ गए तो इसके लिए हमको अब सिलेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट करना होगा, जिसके हेल्प से एफसीडी हमें कैलकुलेट करना होगा। सिलेंडरनेस रेशियो का मतलब होता है सिलेंडरनेस रेशियो KL बाई R, और KL का वैल्यू हमने कितना देखा, 0.85 इंटू में L की वैल्यू 3000, और R मिनिमम हमें जो दिया हुआ था 17.4। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आपको मिल जाती है 146.55। देखिए स्टार्टिंग में लिखा था कि ये वैल्यू जो होगा 110 से 140 के बीच में वैरी करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा हुआ, 146 आया इसके लिए, तो ठीक है, इतना वेरिएशन चलता है। और लेमडा की वैल्यू जब इतना आ गया तो इसी लेमडा के बेसिस पर, इसी KLYR के बेसिस पे पेज नंबर 40 से 43 ये क्लास के लिए है। क्लास ए होगा तो 40 होगा, क्लास डी होगा तो 43 होगा। तो ए बी सी डी, अभी का क्लास कौन सा है, क्लास सी। तो इस हिसाब से ए बी सी 40, 41, 42 पेज नंबर 42 पे जाएंगे और वहां से एफ सी डी को कैलकुलेट करेंगे। अब 42 क्या है पेज नंबर, देखिए पेज नंबर 42 पे आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि ये क्लास सी के लिए था। अगर क्लास बी होता तो पेज 41 पे जाते, क्लास ए होता तो पेज 40 पर जाते। यहाँ पर केएल बाई आर की वैल्यू दे रखा है, ये केएल बाई आर की वैल्यू आपको डिफरेंट डिफरेंट है। अभी जो कितना है हमारे पास 146 आया, 146.55, ये 140 और 150 के बीच में आएगा, डायरेक्ट वैल्यू नहीं है हमारे पास जो वैल्यू है। और यहाँ पर देखिए यील्ड स्ट्रेस FY कितना है, तो 250 के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं FY की वैल्यू 250 के लिए। तो 140 और 250 के लिए जो यहाँ पर वैल्यू है, पहला आ गया 66.2 और 150 पर है 59.2। मतलब यहाँ क्या करना होगा, दो वैल्यू के बीच में आपका 140 और 150 के बीच में है 146.55। तो इसके लिए आपको हमें वैल्यू कैलकुलेट करना होगा बाई द मेथड ऑफ इंटरपोलेशन, बाई इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन करने के बाद हमें यह पता चलेगा कि एफ सी डी की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकल जाता है, यहाँ कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, पिछले न्यूमेरिकल में देखे थे कि आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, तो इस तरह से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंटरपोलेशन जब कर लिए, इंटरपोलेशन करने के बाद हम देखते हैं कि एफ सी डी की वैल्यू हमको मिल जाती है कितनी, 61.68। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, लेमडा की वैल्यू जब 140 था और लेमडा की वैल्यू जब 150 था, हमें चाहिए था 146.5 पर लेमडा की वैल्यू कितना होगा, 140 पर एफ सी डी जो हमें दिया हुआ था बाय द कोड 66.2 और 150 पर दिया हुआ था 59.2, और यहाँ पर हमें ये वैल्यू चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरपोलेशन करते हैं और इंटरपोलेशन करने के बाद यहाँ से एफ सी डी की जो वैल्यू निकलती है वो आती है 61.6 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। इंटरपोलेशन का फॉर्मूला उम्मीद है आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप इसको मान लीजिए x1, इसको कैपिटल x, इसको x2, इसको y1, इसको कैपिटल y, इसको y2। तो फॉर्मूला बनता है y-y1, y2-y1 / x2-x1, x-x1 का। तो इस तरह से आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं वाई के लिए। तो आप जब एफ सी डी निकालेंगे तो इतना वैल्यू ये निकल के सामने आएगी। और जब एफ सी डी आपके पास आ गया तब इसके बाद क्या करना होगा, आपको स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल एंगल स्टड्स कॉलम नहीं है, स्टड का क्वेश्चन है, तो इसके लिए एफ सी डी को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। एफ सी डी जितना आया वो एरिया बन गया, और इसके साथ जो कैलकुलेट की वैल्यू हमारे पास आ गया 124.37 किलो न्यूटन। ये स्ट्रेंथ हुआ सिंगल एंगल स्टड्स का। अगर आपको इसका
वर्किंग लोड निकालना है, तो इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करने के बाद जो बचा वो आपका बन जाएगा इसका अपना वर्किंग लोड, इस पर जो वर्किंग लोड अप्लाई किया जा सकता है। तो ये थे क्वेश्चन में आज के वैल्यूज और किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो मेंबर का जो हमने डिजाइन किया, सिंगल एंगल स्ट्रट का जो डिजाइन किया, डिजाइन में लिखेंगे फाइनली वी हैव आई एस ए 90 × 90 × 12 mm एट द रेट डिवाइड करने के बाद जो आपका वैल्यू आए वो चीज़ें वहाँ पर लिखनी होगी, ठीक है, कितना न्यूटन पर मीटर के लिए। तो उम्मीद है आपको आज का ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आज के क्लास में इतना ही, मिलता है अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। चैनल पर अगर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।